आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक हमारे साथ है। सर ये बताइए आज यहाँ से क्या मैसेज देने की तैयारी है? मैसेज सबके सामने देश के समक्ष एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इस देश में ईमानदार राजनीति जिंदा रहेगी या नरेंद्र मोदी जी षड्यंत्र करके ईमानदार राजनीति को खत्म कर देंगे। इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ईमानदार राजनीति दी थी, इसी रामलीला से उसका जन्म हुआ था। बहुत सारे नए लोग, मेरे जैसे आदमी, साधारण लोग राजनीति में आए, पर जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है, सबको जेल में डाल रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, सबको मार रहे, कौन आएगा राजनीति में? किसको कोई? सारे छोड़ देंगे राजनीति, सारे गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे राजनीति में बच जाएंगे। तो अगर देश बचाना है तो पहले राजनीति बचानी है, और अगर राजनीति बचानी है तो केजरीवाल को बचाना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सबकी है। सुनीता जी, क्या मैसेज आज यहाँ से देने वाली होंगे? केजरीवाल जी का मैसेज है, वो खुद ही बताएंगे कि क्या मैसेज। आप किस रैली को बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, ठगों का मेला बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ आप यहाँ से पार्टी की उत्पत्ति हुई थी उनके ही साथ आज यहाँ बैठ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से इतना ही मैं कहूंगा कि आपकी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को धूल और गर्त में मिलाने का काम अभी की नेताओं ने किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के बाकी के बहुत सारे लीडर अभी के करंट डिस्पेंसेशन से इतने त्रस्त हैं, वो खुद उनके चंगुल में, तो अब भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं रह गई है। एक दो तीन लोगों की एक कंपनी बनी हुई है जो वहां से चला रहे हैं। तो देश के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाजपा को भी मुक्त किया जाए। तो प्रश्न सिर्फ देश के सामने ये पार्टी वो पार्टी को नहीं है, प्रश्न ये भी है कि भाजपा को भी मुक्त करने की जरूरत है। व्यक्तित्व इसके लिए नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, मुद्दा केजरीवाल है।